हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। दिस इज अनु शर्मा। सो वी आर अगेन हियर टू डिस्कस सम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू योर ऑल जेके एसएससी एसएससी एग्जामिनेशंस। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द चेंज 6 प्रोब टू ब्रिंग बैक सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून। सॉरी, ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली जो है एक प्रोब लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, चेंज 6 प्रोब। ठीक है, किस चीज़ के लिए? टू ब्रिंग बैक सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून। के डार्क साइड में जो है मून है, सॉरी, मून के डार्क साइड में जो सॉइल है उसको वापस लाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज चाइना, सेकंड ऑप्शन इज रशिया, थर्ड ऑप्शन इज इंडिया एंड लास्ट ऑप्शन इज जापान। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चाइना। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया है, अभी चेंज 6 प्रो को है लॉन्च किया है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ को जो वहाँ की जो है सैंपल्स हैं सॉइल के उसको वापस लाने के लिए। ठीक है, जो डार्क साइड में है उनके। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऐसा नेशन बनेगा जो ये चीज़ करेगा। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया रिसेंटली एग्रीड टू एनहांस कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट विद विच अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने जो है एनर्जी कोऑपरेशन इन एनर्जी को क्या किया है, एनहेंस किया है। ठीक है, और लोकल करेंसी सेटलमेंट को भी। ठीक है, किस कंट्री के साथ किया है इन्होंने, किस अफ्रीकन कंट्री के साथ किया है? फर्स्ट ऑप्शन इज कीनिया, सेकंड ऑप्शन इज तंजानिया, थर्ड ऑप्शन इज सेनेगल एंड लास्ट ऑप्शन इज नाइजीरिया। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नाइजीरिया। ठीक है, तो इंडिया और नाइजीरिया ने जो है क्या किया है, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट को जो है क्या किया है, अभी साइन किया है। ठीक है, ताकि जो है बायलेटरल ट्रेड जो है वो क्या हो, एनहांस हो हमारा। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भद्रा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो भद्रा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन इज केरला, सेकेंड ऑप्शन इज कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन इज गुजरात एंड लास्ट ऑप्शन इज महाराष्ट्र। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कर्नाटक। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर वॉज द 7th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड। ठीक है, तो 7th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन मीटिंग जो है कहाँ पे हेल्ड हुई? फर्स्ट ऑप्शन इज न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन इज जकार्ता, थर्ड ऑप्शन इज चेन्नई एंड लास्ट ऑप्शन इज हैदराबाद। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इंडियन इंडोनेशिया ने जो है मीटिंग की थी, दैट इज 7th मीटिंग। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? ठीक है, इंडिया का रैंक क्या रहा इस बार का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? फर्स्ट ऑप्शन इज 158, सेकंड ऑप्शन इज 159, थर्ड ऑप्शन इज 160 एंड लास्ट ऑप्शन इज 161। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 159। ठीक है, तो अभी इंडिया का रैंक जो है क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया है। पहले क्या था, लास्ट ईयर जो है इंडिया का रैंक था 161। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर वॉज द 26th एशियन इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग हेल्ड? ठीक है, तो 26th एशियन इंडियन सीनियर ऑफिशियल मीटिंग जो है कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन इज न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन इज जयपुर, थर्ड ऑप्शन इज चेन्नई एंड लास्ट ऑप्शन इज हैदराबाद। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज MQ-9B प्रेडेटर रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ठीक है, MQ-9B प्रेडेटर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज ए टेक्निक यूज टू रिमूव पेस्ट फ्रॉम क्रॉप, सेकेंड ऑप्शन इज हाई आल्टीट्यूड अनमैंड एरियल व्हीकल, थर्ड ऑप्शन इज न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन एंड लास्ट ऑप्शन इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हाई आल्टीट्यूड अनमैंड एरियल व्हीकल। ठीक है, तो इंडिया क्या करेगी, अभी इनको एक्वायर करेगी वहाँ से। ठीक है, तो ये क्या है, एक व्हीकल है, अनमैंड व्हीकल है। ठीक है, तो ये यूएस से जो है इसको क्या करेगी, एक्वायर करेगी। ठीक है, और कहाँ पे डिप्लॉय करेगी, डिप्लॉइंग इन तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री क्लिंच्ड मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप 2024 बाई डिफीटिंग उज्बेकिस्तान। ठीक है, अभी कौन सी कंट्री जो है मेंस कंट्री जो है अंडर 23 एशियन कप जो है
वो जीत गई है, ठीक है, किसको हरा के, उज्बेकिस्तान को हरा के। फर्स्ट ऑप्शन इज़ चाइना, सेकंड ऑप्शन इज़ इंडोनेशिया, थर्ड ऑप्शन इज़ जापान एंड लास्ट ऑप्शन इज़ कजाकिस्तान। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जापान। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली जोस राउल मोलिनो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, जोस राउल मोलिनो जो है अभी हाल ही में किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ गुटेमाला, सेकंड ऑप्शन इज़ क्यूबा, थर्ड ऑप्शन इज पनामा एंड लास्ट ऑप्शन इज निकारागुआ। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पनामा। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिक इंडेक्स फंड। ठीक है, तो कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अभी रिसेंटली जो है इंडिया का फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिक इंडेक्स फंड जो है वो लॉन्च किया है। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रो म्यूचुअल फंड, सेकंड ऑप्शन इज एक्सिस म्यूचुअल फंड, थर्ड ऑप्शन इज यूटीआई म्यूचुअल फंड, लास्ट ऑप्शन इज इन्वेस्टको म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्रो म्यूचुअल फंड। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 65th रेजिंग डे कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अभी हाल ही में क्या किया है, अपना 65th रेजिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। फर्स्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सेकेंड ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, थर्ड ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड लास्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, और कब जो है इन्होंने अपना 6th रेजिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया था, 7th May 2024। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑन, यहाँ पे जो है नोटेबली प्रोजेक्ट तुस्कर नाव प्रोजेक्ट वर्तक कनेक्ट्स बालूपोंग टू तेंगा इन अरुणाचल प्रदेश, प्रोजेक्ट बेयरकॉन फोकस ऑन कश्मीर। ठीक है, ये जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो किसके अंडर आते हैं, बीआरओ के अंडर आते हैं। ठीक है, अभी जो है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जो है वो अभी हेड है हमारे बीआरओ की। ठीक है, और मोटो क्या है इनका, इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स वर्क स्पीक्स। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कोलीन रिसेंटली सीन इन न्यूज, कोलीन क्या है आपका। फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूट्रिएंट, सेकंड ऑप्शन इज पेस्टिसाइड, थर्ड ऑप्शन इज वायरस एंड लास्ट ऑप्शन इज इन्वेसिव प्लांट। ठीक है, तो कोलीन क्या है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो एक प्रोटीन है। ठीक है, रिसर्चर्स रिसेंटली फाउंड दैट FLVCR2 ए प्रोटीन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कोलीन इनटू द ब्रेन। ठीक है, तो एक प्रोटीन है, क्या बोलते हैं, FLVCR। ठीक है, रिसर्चर्स ने क्या देखा कि ये जो है हेल्प करता है हमारे कोलीन को जो है हमारे ब्रेन में ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक प्रोटीन है हमारे पास हमारे माइंड में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को जो है ब्रेन तक, न्यूट्रिएंट जो कोलीन है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, कोलीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट प्लेज ए क्रूशल रोल इन सेलुलर ग्रोथ। हमारे सेल्स की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करते हैं, एग्जिस्टिंग इन बोथ वाटर एंड फैट सॉल्युबल फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स में आपको मिलेगा, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में भी मिलता है और फैट सॉल्युबल फॉर्म्स में भी मिलता है। ठीक है, व्हाइल द बॉडी कैन प्रोड्यूस कोलीन इन द लीवर। ठीक है, डायट्री इनटेक इज नेसेसरी टू मीट द डेयरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिच सोर्सेज जो हैं कोलीन के क्या क्या हैं, दैट इज मीट, फिश, एग्स, डेयरी और बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। ठीक है, एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आईसीयूएन स्टेटस ऑफ ओरैंगउटन रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ठीक है, अभी ओरैंगउटन जो है रिसेंटली न्यूज़ में है, उसका जो है आईयूसीएन स्टेटस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज एंडेंजर्ड, सेकंड ऑप्शन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, थर्ड ऑप्शन इज वल्नरेबल एंड लास्ट ऑप्शन इज लीस्ट कंसर्न। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो इंडोनेशिया में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने जो है वाइल्ड मेल ओरैंगउटन को जो है क्या किया, विटनेस किया फीटिंग ए फेशियल वाउंड। ठीक है, फेस पे उसके वाउंड था विद च्यूड अप यूज ऑफ ए मेडिसिनल प्लांट। तो ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया है। ठीक है, मोस्टली जो है ये कहाँ पे पाया जाएगा, पाया जाता है सुमात्रा एंड बोर्निया विद हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम स्वैम्प फॉरेस्ट टू माउंटेनियस रीजन्स। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर लूनर मिशन आई क्यूब कमार इन
कोलैबोरेशन विद विच कंट्री, पाकिस्तान ने जो है अपना पहला लूनर मिशन जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम है आई क्यूब कमार, ठीक है। किस कंट्री के साथ मिलकर जो है इसने ये लॉन्च किया है लूनर मिशन? फर्स्ट ऑप्शन इज़ रशिया, सेकेंड ऑप्शन इज़ इंडिया, थर्ड ऑप्शन इज़ चाइना एंड लास्ट ऑप्शन इज़ ईरान, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ चाइना, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जो है इसको क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन नेम्ड विक्टोरिया शी, ठीक है। अभी हाल ही में किस कंट्री ने एक AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसका नाम है विक्टोरिया शी? फर्स्ट ऑप्शन, योर फर्स्ट ऑप्शन इज़ रशिया, सेकेंड ऑप्शन इज़ ईरान, थर्ड ऑप्शन इज़ इराक एंड लास्ट ऑप्शन इज़ यूक्रेन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स, उन्होंने जो है क्या किया है, AI जनरेटेड अवतार जिसका नाम है विक्टोरिया शी, उसको इंट्रोड्यूस किया है एज इट डिजिटल स्पोक्स पर्सन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।